दोस्तों साल 1980 में वॉयेजर 1 शनिग्रह के सबसे करीब से गुजरा था और उसने सैटर्न की रिंग तथा उसकी तस्वीरें यह वैज्ञानिकों को भेजी थी। साथ ही में उसने शनिग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन की भी तस्वीर ली, एक ऐसा चांद जिसका मोटा वायुमंडल था। यह हमारे चांद से बिल्कुल भिन्न था, इसलिए नासा ने सोचा हमें इस चांद पर जाना ही चाहिए। इसलिए नासा, ईसा, एएसआई ने मिलकर एक मिशन को अंजाम दिया जिसमें हम जानने वाले थे शनिग्रह के चांद का वायुमंडल किन गैसों से बना हुआ था और इस चांद की क्या खासियत थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड। दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स मरकरी तथा प्लूटो, इनसे भी बड़ा है टाइटन, एक चांद होकर प्लैनेट से भी बड़ा है। अगर ये शनिग्रह को चक्कर नहीं लगाता तो ये एक प्लैनेट ही होता। और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स की जगह 9 प्लैनेट्स होते हैं। उस तो जुपिटर के चांद गैनीमेड के बाद टाइटन ही हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। टाइटन हमारे चांद से करीब 50% तक ज़्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 5150 किलोमीटर से और हमारे चांद से करीब 80% तक ज़्यादा मैसिव भी है। और यही हमारे सोलर सिस्टम में धरती और शुक्र ग्रह के बाद सिर्फ टाइटन पे ही सॉलिड सरफेस और मोटा वायुमंडल भी है। और टाइटन का एक और नाम भी है प्लैनेट लाइक मून, यानी ग्रह जैसा चांद। और इसी खोज में वैज्ञानिकों ने 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया कज़िनी यूगेन स्पेसक्राफ्ट को। इस स्पेसक्राफ्ट का सफर बहुत ही लंबा होने वाला था, इसने कुल 7 साल का सफर अंतरिक्ष में तय किया। और फिर कज़िनी 1 जुलाई 2004 को टाइटन के पास पहुंचा, पर यह अकेला नहीं था, इसने अपने साथ एक साथी को भी लिया हुआ था जो टाइटन की सर्फेस में लैंड करने वाला था। ये एक लैंडर था जिसका नाम है ह्यूगेंस। ये फिजिसिस्ट क्रिस्टियन ह्यूगेंस के नाम पर रखा गया था। क्रिस्टियन ह्यूगेंस ने सन 1665 में सैटर्न के सबसे बड़े चांद को खोजा था। कसिनी के जरिए जब टाइटन की धुंधली वायुमंडल में जब देखा गया तब हमें वहाँ बहुत सारे महाद्वीप भी दिखे। इसका वायुमंडल टाइटन की कम ग्रेविटी की वजह से बहुत ऊपर तक फैला है। टाइटन का वायुमंडल इसकी सतह से 975 किलोमीटर तक फैला है। जब ह्यूगेंस टाइटन के वायुमंडल में दाखिल होता है तब उसे 500 किलोमीटर तक जाने तक सिर्फ धुंधला एटमॉस्फेयर ही दिखता है। फिर उसका पैराशूट खुल जाता है और उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। ह्यूगेंस से सारी जानकारी एएसआई के पास भेजता रहता है। पर जब ह्यूगेंस नीचे की ओर जाता है तो उसे वहाँ दिखते हैं छोटे छोटे पर्वत और लिक्विड रिवर्स। ऐसा कैसे संभव हो सकता था, क्योंकि सूर्य से इतनी दूर जहाँ का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर लिक्विड रिवर्स कैसे हो सकते थे। टाइटन का मोटा वायुमंडल बना है 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन तथा 0.1% हाइड्रोजन गैस से। पर साइंटिस्ट इसी सोच में डूबे थे कि ये लिक्विड रिवर्स आखिर किस चीज़ से बने हुए थे, क्योंकि इतनी ठंड में पानी लिक्विड फॉर्म में रह नहीं सकता था। इसका जवाब छुपा था टाइटन के ही एटमॉस्फेयर में, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद मीथेन ही ज़्यादा मात्रा में हमें टाइटन पर देखने को मिलता है। इसलिए लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें पता चला कि मीथेन जैसे कंपाउंड बहुत कम तापमान में भी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। इससे हमें यह पता चला कि टाइटन के रिवर्स पानी के नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन के बने हुए हैं। टाइटन में हमारे धरती के समान नदी है, पहाड़ है, समुद्र है। टाइटन एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल हमारे धरती जैसी है। टाइटन की जमीन बनी है बर्फीले हाइड्रोकार्बन तथा पानी से, मतलब यहाँ टाइटन में पहाड़ और पर्वत ये सारी बर्फीले है। टाइटन में इतना कम तापमान के कारण यह पानी सॉलिड चट्टान की तरह तथा मीथेन लिक्विड वाटर की तरह बिहेव करता है। जब 14 जनवरी 2005 को ह्यूगेंस टाइटन पर लैंड हुआ था तब उसने कुछ सेकंड्स तक हमें ये तस्वीरें भेजी थी। और क्या आप ये जानते हैं कि टाइटन की इस दुनिया में बारिश भी होती है, वो भी लिक्विड मीथेन की। और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शायद टाइटन में लिक्विड रिवर्स में जीवन पनप रहा होगा, जो कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आराम से रह सकेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक नया और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।